मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छी ही हूँ। और ये जो अभी व्लॉग चालू हो गया है, ये 10 बजे से चालू हो गया है। और मैंने ब्रेकफास्ट का नहीं बताया है, और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, आज डिंकी ने पोहा बनाया था, तो मैंने कहा पोहा क्या बताए, तो आज मैंने डायरेक्ट लंच से चालू, और ये 12 बजे मतलब 12 बजे तक खाना बनना चाहिए करके मैंने जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये जो बना रहा है ये चावल है, रात का बचा था तो मैंने उसको फ्राई कर लिया है। और इधर ये जो बनाने जा रही है दाल पालक, ये कुकर चढ़ा रही हूँ, दाल चावल और दाल पालक का, मतलब दाल पालक और चावल का, तो ये दोनों एक साथ कुकर में पक जाएगा। तो ये मैं सबसे पहले पालक धो के उसमें दाल, ये दाल में डब्बे ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। और ये जो दिखा रही डिंकी उसमें वो पालक है, वो डिब्बे मैंने सोचा मतलब काट के रख दी थी, तो वो बोल रही कितनी डालो, तो मैंने बोला कि इतना डाल दो। और इधर मैं दाल ढूंढ रही थी क्योंकि, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पालक कितनी लेनी है, तो मैंने अपने 4 लोगों के हिसाब से इतनी पालक, क्योंकि पालक ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें दाल भी। और मैंने दाल मिक्स डाली है, एक मूंग की दाल डाली है उसमें, और एक डाली हूँ तुअर दाल। तो ये देखिए मैं धो के सब इसी में डाल दूँगी, जो पालक धोई थी उसी में, और उसी में मूंग दाल भी डाल दूँगी। और फिर पानी डाल के वो मैं, ये डिब्बा थोड़ा ख़राब लगा तो मैं धो रही हूँ, और वो कुकर में रख चढ़ा दूँगी, और कुकर में पानी डाल के और 2-3 सीटी आने तक फिर उसको पकाने के बाद मैं लूँगी ठंडा होने के बाद। और ये देखिए मैं ये दाल पालक है ना, ये धो रही हूँ अच्छे से 2-3 पानी से, क्योंकि मैं पहले भी धो लिए थे लेकिन अब भी धो रही हूँ। और इधर चावल चढ़ाइए 2 छोटे से, क्योंकि ये चावल हो जाएंगे लेकिन ये बच्चों के लिए ताजे चावल ज़रूरी है, तो कम हो जाएंगे क्योंकि दाल के साथ चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े चावल ज़्यादा चढ़ा दिए, और थोड़े से दोनों के लिए डिंकी परी के हिसाब से मैंने चढ़ा दिए है। और ये मैं देखिए कुकर में पानी डाल के पहले दाल चावल दाल पालक का और चावल का ये डब्बा ऊपर चढ़ा दूंगी, और इसके बाद 2 सीटी के बाद फिर मैं सब्जी बघार दूंगी। और इधर ये जो तैयारी चल रही है, जो मैंने आपको बताया था ना रात को मैंने इमली गला के रख दिए थे, तो वो अच्छी गल गई थी। और ये देखिए इसका मैं अभी वो पल्प निकाल रही हूँ, और ये छन्नी से, पानी की छन्नी है ये, मैं इससे पानी छानती, तो ये देखिए कितना अच्छा निकल रहा है। जो ऊपर का है ये भी मैं पूरा निकाल लूँगी, ये जो पहले गुद्दा निकाल के ये बीज वगैरह वो निकाल के फिर उसमें मिक्स करके फिर मैं ना ये कढ़ाई में डाल के उसको अच्छे से पका लूँगी। और आज मैं गुड़ नहीं था मेरे यहाँ, तो मैंने शक्कर की बना ली, बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, सारी थी हमारे यहाँ तो फिर मैंने ये डाल दिया। ये देखिए ये पूरा इमली का ही पानी है, और ये अच्छे से पका लूँगी, उसके बाद मैं इसमें शक्कर ऐड कर लूँगी, और ये वो गुदा जो दिखा है ये फेंकूँगी नहीं। इसका मैं ना थोड़ा सा फेस पैक बना लिया था, तो मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि इसका फेशियल भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं वो दिखाई नहीं। और इसमें मैं ये घोट के फिर इसमें जीरा डाल दूंगी, और इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और शक्कर, ये जब एक उबाल अच्छा आ जाएगा उसके बाद मैं शक्कर डाल दूंगी, और फिर थोड़ी घट्टी होने तक, मतलब मैं पतली रखूंगी क्योंकि ज़्यादा ये नहीं, और ये जब तक पकता है तब तक मैं इधर आटा, मैंने आपको आटा गूंथने का कुछ कभी नहीं दिखाया था क्लिप, तो ये आटा गूंथ रही हूँ। और ये देखिए उसके हिसाब से मैं शक्कर डाल रही हूँ, और ये डिब्बा ख़राब हो गया था तो मैं इसके लिए मांजने के लिए भी रख दी थी, 2-4 दिन के बाद मैं वैसे मान लेती हूँ। और ये प्लास्टिक का डिब्बा है, तो ये देखिए मैंने उसके हिसाब से, और बहुत अच्छी चटनी बनी थी, इतनी अच्छी कि मस्त, जैसे अपन लाते हैं ना जैसे होटल में जो समोसे के साथ मिलता है, तो वैसी बस सब। ये देखिए अब मैंने वो जो जीरा भुना था वो भी डाल दिए पाउडर, और ये अब अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी देख, जब तक वो मैं आखिर तक दिखाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा वो लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से पका लूँगी। पक जाने तक मैं इधर अपनी रोटी बना लूँगी, टाइप का आ गया है पकने के बाद। फिर ये डिंकी, इनसे रहा नहीं जा रहा था, डिंकी परी से बार बार आ रही थी, फिर मैंने उनको, इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। और उधर कुकर चढ़ गया था, कुकर ठंडा होने जा रहा था, तब तक मैंने रोटी बना ली है। और फिर आज मुझे बहुत लेट हो गया था, मेरे को 12 बज चुके थे, खाना वाना मतलब नहाने वगैरह बना, मतलब इसके बाद जो खाना वाना बनाया साफ सफाई करने के तक का, नहीं तो 11:30 तक बन जाता है। और इधर ये रोटी देखिए कितनी अच्छी फूल रही है मेरी वाली, और मेरे से गोल रोटी नहीं बनती है गाइस। और ये इमली की चटनी तैयार हो गई थी, मैंने दिखाई नहीं आखिरी वाली, वो जो उससे और ज़्यादा बन गई थी। और ये जो है ना, ये हमने लंच के बाद का टाइम है, और ये वेदर देखिए कितना भयानक हो गया था। और एक गिलहरी, आपको एक क्लिप दिख रही होगी, छोटी सी एक गिलहरी है ना, दोनों हाथ से मस्त रोटी खा रही, तो इसलिए हमने ये दिखाया आपको कि यह
और ये देखिए वेदर कितना भयंकर हो गया था दोपहर को, बहुत भयंकर ऐसा लगता है। बारिश रात को भी बहुत आंधी आई थी हमारी इधर, लेकिन बारिश थोड़ी सी हुई थी। तो ये दिखा रहे हम लोग बाहर का वेदर, वो बहुत अच्छा खुशनुमा हो रहा था। ऐसे लग ही नहीं रहा कि इस बार मतलब समर है करके, ऐसा लग रहा है बारिश के दिन है ऐसे लग रहा है। और देखिए कितने काले काले बादल हो गए थे, मतलब धूप निकल नहीं रही थी, और फिर उसके बाद है ना नहीं आई, लेकिन वेदर थे। और ये गिलहरी है बहुत सारे, आपको क्लिप दिख रही होगी जो देखो चल रही है, बहुत सारे गिलहरी है। चावल ये सुबह क्या करते हैं ड्यूटी जाने के पहले है ना, उसमें है ना चावल डाल देते हैं, रोटी डाल देते हैं, तो वो आके ना पपीता का पेड़ है यहाँ पे, पपीता के पेड़ के नीचे है ना आके खाती है। और इतनी सारी देखिए कितनी सारी गिलहरी सुबह से चालू हो जाती है हमारे यहाँ, मस्त दो दो हाथ से लेती है, खड़ी होती है, एक उधर खड़ी है एक इधर खा रही, बहुत सारी गिलहरी आती है। और ये देखिए ये पंछी भी है और दो हाथ में लेके खा रही है, और इन लोगों की झुंड हो जाती है। चावल है जो दिख रहे हैं ना वो चावल है, और डेली हम डालते हैं, पंछी कौवे सब आते हैं सुबह सुबह और खा लेते हैं। और ये जो उखड़ा है मैंने गोबर से लिपा था, लेकिन अभी गोबर नहीं मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन में हम घर के बाहर ही नहीं निकले थे, जहाँ पर वो गोबर है वो लाने के लिए गए नहीं। तो और बारिश भी आ रही, तो उससे हम पानी से छिड़काव कर देते। यहाँ पे ना बाल बहुत गीले हो गए थे, तो मैं ना बाल मतलब आज मैंने बाल धोए थे तो गीले हो गए थे, तो मैं पंखे के नीचे हाथ से सुखा रही हूँ। और ये इधर खाना खा रहे हैं, इनको थोड़ी सी क्लियर, हम लोग खाना खा के उठ। हाय गाइस, तो अभी मैं है ना पूरी अभी बज चुके हैं 1:10, और मैं अभी पूरे काम से जो भी मेरे काम थे रूटीन से पूरी मैं है ना अभी फ्री हो गई, मतलब जो मॉर्निंग थे अभी तक थे वो पूरे फ्री हो गई हूँ। और अभी हमारे इधर है ना वो रोज़ वेदर आ रहा है, रात बारिश तो नहीं आ रही, रात को बहुत आंधी आई थी और थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, और अभी भी अभी आ गए थे, अभी तो निकली धूप। और ये खाना अभी मैं फ्री हो गई खाना खा के, और ये बैठे है अभी, इनकी 12 बजे तक की ड्यूटी है तो ये खा रहे हैं। और मैं उठ के बैठ गई हूँ और मैं सोचा कि आपसे बात कर लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा अभी मैं आराम कर लूँगी। और डिंकी परी ने भी खाना खा लिया है, आज मैंने इमली की चटनी बनाई थी, गुड़ नहीं था ना इसलिए मैंने वो शक्कर की बनाई, गुड़ की बनती है लेकिन मैंने शक्कर की बनाई है, तो शक्कर की भी कभी कभी मतलब अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बनी थी तो मैं शेयर की है, तो कैसी लगी बताना आप, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आराम वगैरह कर लिए थे, फिर उसके बाद 4:30 वही हमारा चाय का रूटीन है। तो ये चाय के लिए मैं वो जो कल का दूध था फ्रिज में वो डाल दिए, वो सुबह आज गर्म किया था तो काला काला भगोना हो गया था, उसको आप इग्नोर कीजिए। और मैं दो कप दूध के हिसाब से मतलब आज डिंकी परी के लिए भी बिस्किट के लिए मैंने ज़्यादा ही डाल दिए थे, और ये चाय पत्ती, और ये तैयार ये गैस पर रख दूँगी। और तब तक भी इधर मैं मसाले वसाले भर लिए थे, जो डिब्बे मैंने बोला था ना कि शक्कर का डिब्बा वगैरह मान लूँगी तो ये मान लेते, और इसमें फिर शक्कर डाल दी हम लोगों ने क्योंकि ऊपर था तो मेरा हाथ नहीं पुटा था, ये आए फिर इन्होंने निकाल के दे दिए है शक्कर, और हम ये डाल रहे हैं कितना लगता है उस हिसाब से। और फिर किचन थोड़ी सी है ना, तो फिर मैंने सोचा कि अब उधर चाय पक रही, तो ये जो नमक का डिब्बा भी खाली हो गया था तो ये पैकेट लाए थे कल किराना, थोड़ा सा ले आए थे, जितना लगता है उतना ही थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं हम लोग, तो ये फिर मैं इसमें भर रही हूँ ये डिब्बे में, ये प्लास्टिक का डिब्बा है अच्छा रहता है, ये अचार का डिब्बा था तो नमक के लिए कर दिए थे क्योंकि हमारा वो कांच का बननी थी नमक की तो फूट गई थी, तो इसमें हम भर रहे हैं। और उसके बाद मसाले का डिब्बा भी मैंने आज धो लिए थे तो उसमें भी मसाले भर लिए, लेकिन मैंने दिखाए नहीं। डिनर के लिए तैयारी चल रही थी तो डिनर में हमने बनाई थी तो आज उड़द दाल, उड़द दाल हमने कभी नहीं दिखाई ना क्लिप, तो मैंने सोचा कि चलो आज दिखा देती हूँ। और उड़द दाल हम बहुत कम खाते हैं लेकिन वो क्या है चावल के साथ अच्छी नहीं लगती, चिकचिकी होती है तो हमें पसंद नहीं, रोटी के पसंद है। और ये देखिए फिर उसके लिए मैंने जो पहले उड़द दाल कुकर में उबाल ली थी और उसके बाद ये तेल डाल के फिर जैसे अपनी प्रोसीजर दाल बघारती उस टाइप की, बस मसाला वगैरह मसाले वाली बनानी थी हमको तो इसलिए हमने मसाला वगैरह डाल दिया था, तो ये तेल उस दाल के हिसाब से हो गई थी हम लोगों के हिसाब से, ज़्यादा तेल उड़द दाल में अच्छी नहीं लगती है। तो फिर ये प्याज डाल दिए और ये प्याज ब्राउन होने तक भून लेंगे, जैसे अपनी सब्जी बनाते हैं उस टाइप की बनाते हैं, बस इसमें क्या उबाल जैसे अपन बाकी की दाल उबालते हैं उस टाइप का ही है, बस ये थोड़ी सी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए नहीं तो ये अजीब सी लगती है। देखिए मैंने मसाला आज सब भर के रख दिया था और उसके बाद थोड़ा सा मैंने राई और जीरा पाउडर डाल दिए और ये ब्राउन होने तक पक जाएगी।
और ब्राउन, फिर उसके बाद है ना मैं लाल मिर्च पाउडर वगैरह सब ऐड करके है ना वो डाल दूंगी। और ये देखिए ये प्याज है ना ब्राउन हो गए, और इसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर डाली और हल्दी, और ये थोड़ी पकने के बाद फिर मैं जो मसाला बचता है ना मसाला मतलब जो प्याज और अदरक लहसुन का वो डाल दूंगी और ये अच्छे से पकने दूंगी। तो ये देखिए आज है ना मतलब सब्जी को कुछ भी नहीं था, सुबह हमने दाल पालक ही बना भी दाल और सब्जी वाले भैया आए थे, अब ये ड्यूटी जाने लगे ना तो मैं निकलती नहीं बाहर में कुछ लेने के लिए, तो आफत हो रही सब्जी की। और ये जो गरम मसाले जितने भी है धनिया पाउडर गरम मसाला आमचूर पाउडर ये सब मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा पकने दूंगी ये नमक वगैरह, और ये पक जाने के बाद ये अच्छा सा फिर इसके बाद टमाटर ऐड कर लूँगी मैं इसमें। ये देखिए ये है ना बहुत अच्छी बनती है सब्जी, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी मुझे हम लोगों को ज़्यादा उतनी पसंद नहीं, फिर भी हम और चावल के साथ नहीं अच्छी लगती है, रोटी के साथ बहुत अच्छी। और देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका, और ये टमाटर डाल दिए इसके बाद, और ये टमाटर अच्छे से पल्स मतलब अच्छे इसमें मिक्स होने जा होने पका लेंगे। और ये देखिए मसाला पक के रेडी हो गया। फिर उसके बाद है ना ये जो दाल उबाली थी हमने डिब्बे में, तो ये इसमें डाल के बस एक उबाल आने तक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक उबाल आने तक पका लेंगे, फिर उतार लेंगे और बन के रेडी हो गई जल्दी झटपट रेसिपी। और उड़द दाल तो बहुत लोगों को शायद पसंद है और हमको भी पसंद है, लेकिन चावल के साथ पसंद है और रोटी के साथ पसंद है चावल। हेलो एवरीवन, तो अभी बज चुके हैं 8:30 बज चुके हैं और अभी मैं खाना वाना नहीं खाई हूँ, तो ये टीवी का आवाज़ है, अवॉइड करना, बड़ा आवाज़ कर कम आवाज़ कर दो बेटू। और उधर अभी मैंने उड़द की दाल बघार के अभी इधर मैंने सोचा कि अभी वीडियो का एंड कर दूँ, अभी खाना खाने में हमको टाइम है रात का डिनर, क्योंकि अभी थोड़ी देर के वो पक रही है तो 9 बजे तक, तो मैंने कहा रात हो जाती है फिर लेट आता है वीडियो आपके पास, तो इसलिए मैं अभी वीडियो का एंड कर दे रही हूँ और इसलिए मैं बात करने आ गई। और आज मैंने इमली की चटनी बनाई थी, तो कैसी बनी बताना गाइस। और बस अब 2 दिन है लॉकडाउन खुलने में, पता नहीं सुन रहे हैं कि और 17 तारीख तक बढ़ गया है, और अभी हमारा पार्लर भी खुल जाएगा, तो फिर मैं अब आपको जैसे मतलब जैसे मेरे आएंगे कस्टमर वैसे वैसे मैं जो वैक्स वगैरह क्या है वो सब दिखाने की कोशिश करूँगी, बाल कटिंग दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।